इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी सूचना जारी की है। दिसंबर में भले ही कोरोना संक्रमण के केस राजस्थान में कम आ रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे हल्के में लेने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने प्रदेश की जनता को सोशल मीडिया के द्वारा कहा है कि नए वर्जन के प्रति सचेत रहने के लिए। हालांकि एक दिन से पहले नीति आयोग के सदस्य ने वायरस नए वर्जन का कोई भी केस भारत में नहीं मिलने की बात की है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट किए अपने मैसेज में बताया कि कोरोना वायरस जो नया वर्जन UEI पहले से 70% ज्यादा फैलता है। ब्रिटेन के बाद ये अब ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम समेत यूरोप के कई देशों में फैल रहा है, जहां नए वायरस के कई केस मिले हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता इससे सतर्क रहे, क्योंकि ये केस अभी तक भारत में नहीं मिला है, लेकिन ये केस हो सकते हैं और ये बहुत खतरनाक वायरस है जो कोरोना का नया संक्रमण जारी हुआ है। राजस्थान का पहला मास्क बैंक गुरुवार को बीकानेर में स्थापित हुआ। जिला कलेक्टर नमित मेहता, महापौर सुशीला कंवर ने जूनागढ़ के सामने हाट बाजार परिसर में स्थापित मास्क बैंक का रिबन काटकर उद्घाटन। बीकानेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर में ऑपरेशन प्रहार के तहत यहां पर नशे का उत्पादन चल रहा था, जहां पर लोगों ने नशे की कड़ी सारी दवाइयां चला दी और इसमें काफ़ी सारे चीज़ें, टैबलेट, ग्राम ब्राउन, करीब 15,000 किलो अफीम तक मादक पदार्थ पकड़े हैं। IG प्रफुल्ल कुमार ने जानकारी दी कि DGP के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है, जिसमें अभी तक 4 जिलों में कुल 96 मामलों में से 135 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये खबर अभी बीकानेर से बड़ी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खाते में 18 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए SSS News को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन पर ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए।